वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जहां हर कोई परेशान है, वहीं रायबरेली में कोटेदारों ने खाद्यान्न वितरण प्रभारी पर आरोप लगाया। कोटेदारों के लिए अनाज उठान सिरदर्द बन चुका है, जिसको लेकर दर्जनों कोटेदारों ने उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गोदाम पहुंचे, जहां उन्होंने खटतौली के आरोप के साथ ठेकेदार पर होम डिलीवरी पर कम रुपए देने का आरोप लगाया। मामला सरेली क्षेत्र के धूरे मऊ उत्तर प्रदेश खाद्यान्न वितरण प्रणाली गोदाम का है, जहां क्षेत्र के दर्जनों कोटेदारों ने आज खाद्यान्न उठान पर खाद्यान्न गोदाम प्रभारी सहित ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए घंटों तोतो मैमै की। कोटेदारों का कहना था कि अभी तक गेहूं चावल खाद्यान्न वितरण प्रणाली केंद्र से कोटेदारों तक पहुंचाया जाता था, जिसका शुल्क 18 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब ठेकेदार के माध्यम से वही राशन होम डिलीवरी करते हुए 12 से 13 रुपए प्रति क्विंटल में ले जाने की बात कही जा रही है, जिसमें कोटेदारों का नुकसान है। वहीं एक कोटेदार ने खाद्यान्न गोदाम के प्रभारी पर घटतौली का भी आरोप लगाया। उसका कहना है कि केंद्र से भेजी जा रही बोरियों में तो 50 किलो अंकित रहता है, जो गोदाम के तराजू पर तौलने पर सटीक रहता है, किंतु इन्हीं बोरियों को जब दूसरे तराजुओं पर तौला जाता है तो उन बोरियों में से 5 से 6 किलो का अनाज कम होता है। इस आरोप के बाद खाद्यान्न वितरण प्रणाली प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केंद्र से सही माप कर बोरी दी जाती है, अब रास्ते में चोरी हो जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी के साथ ललित तिवारी की रिपोर्ट। कुछ कोटेदारों द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है जी, कि यहाँ पे 50 किलो की बोरी दी जाती है जी, जो वहाँ पर जाके वो लोग तौलते हैं तो 47 किलो की गलती है, क्या मामला है? मेरा काम है यहाँ पे तौल के दे देना आपको माल पूरा। हाँ, यहाँ से मैं पूरा माल देता हूँ, रास्ते में कितना जा रहा, कहाँ पहुँचा, कितना, ये मेरी जिम्मेदारी है ठेकेदार यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का। ठीक है, कोटेदार मैं अभी सामने कहला सकता हूँ कोटेदारों से, कि कोई कोटेदार ये नहीं कह सकता कि मैं उसको असंतुष्ट करता हूँ, पूरा जैसे चाहता वैसे माल। मेरे पास इसके बयान है सर। बयान आपके लिए पास होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास बयान नहीं होंगे जी जी, लेकिन मेरी तरफ से जो भी कोटेदार है उसको मैं संतुष्ट करके पूरा माल तौल के जैसे चाहता वैसे दे के। आपके कोटेदार द्वारा ही आप पर आरोप लगाया गया है कि 50 किलो की बोरी यहाँ से जाती है, वहाँ पे तौली जाती है तो 47 किलो की निकलती है। तो घर पे जाके तौली जाती कैसे, जब यहाँ तौला के ले जाते वो अपना पूरी ले जा रहे, वहाँ कैसे 47 हो जा रही है, आप बताइए। जब मेरे पास से पूरा माल ले जा रहे हैं वहाँ कैसे 47? तो वो ठेकेदारों द्वारा जाता है ना जी, उसका ठेका है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। और होम डिलीवरी को लेकर, यही होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी को लेकर के कुछ मामला सामने आया, सारे कोटेदार बाहर तो इसके लिए सर ठेकेदार है, इसके लिए नियुक्त हमारे से होम डिलीवरी से इसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे ठेकेदार द्वारा वाहन दिया जाता है, यहाँ से मुझे द्वारा उसको वाहन को माल दे दिया जाता है, और यहाँ से पहुँचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार के हमारे। नाम और परिचय दें अपना। मेरा नाम अरुण कुमार महेश त्रिवेदी रामखेड़ा, कोटेदार का सहयोगी हूँ मुन्नी त्रिवेदी का। मैं यहाँ से जो भी बोरिया ले जाता हूँ वितरण के दौरान नोडल अधिकारी के समक्ष सारी बोरियों का जब हमारे कांटे से वेट किया गया, जिस कांटे से मैं राशन पब्लिक को तौल के देता हूँ, उस कांटे में 46 किलो 215 ग्राम 47 किलो 48 किलो इससे ऊपर कोई बोरी नहीं मिली। और यहाँ से कितने की मिलती है? यहाँ से हमको 50 किलो की बोरी लगा के दी जाती है, जो हम लोगों को राशन कुंटलों में घटता है। ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत मजबूर हैं कोटा करने के लिए। और भी क्या समस्या है? यहाँ से हम लोगों को भाड़ा पूरा नहीं दिया जाता है, हम लोगों को भाड़े के इसमें हमारे गोदाम तक राशन पहुँचाने की जिम्मेदारी शासन ने ठेकेदारों को दे रखी है, ठेकेदार लोग जो है बंदर बांट करते हैं, हम लोगों को किसी भी तरह से आधा भी भाड़ा नहीं दिया जाता है। यहाँ की पल्लेदारी दे दी जाती है तो हमारे गोदाम में उतारने की पल्लेदारी नहीं दी जाती है, भाड़ा हम लोगों को ट्रैक्टर हमारे लोगों के घर तक जब गोदाम तक पहुँचता है तो 400-500 रुपये भाड़ा मांगता है, जो हम लोगों को पूरा नहीं पड़ रहा। अपना नाम और परिचय दे दीजिए। किशोर कुमार मिश्रा, कोटेदार भोजपुर। ये यहाँ पे कुछ
भीड़ लगी हुई है, क्या मामला है यहाँ? भीड़ नहीं है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए कोरोना के कारण हम लोग अपनी समस्या को लेकर आए हैं। यहाँ से गोदाम से माल जो हम लोगों की दुकान तक जाता है वो होम डिलीवरी का नया ठेकेदार हो गए हैं। उनके पास ठेका तो मिल गया उनको, लेकिन उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है अभी हम लोगों की दुकान तक माल पहुँचाने के लिए। यहाँ पे कुछ घटतौली का मामला सामने आया है, इसको लेके क्या कहना है आपको? नहीं, घटतौली का मामला तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के जो गोदाम इंचार्ज हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने तो कहा कि जैसे आप लोग चाहें वैसे ले सकते हैं, चाहे तो तौला के ले सकते हैं, चाहे जैसे ले सकते हैं, जैसे आप संतुष्ट हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है विशेष। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की ट्रांसपोर्टिंग की, माल पहुँचाने वाली। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या कहा? वो कह रहे हैं हम लोगों से एडजस्ट करने के लिए, तो वही आपस की वार्ता चल रही है, चर्चा चल रही है, जो भी अब क्या निष्कर्ष निकलता, अभी तो कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं हुआ है, तो जो भी निष्कर्ष आएगा वो जानकारी आ जाएगा आपकी।